अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन आप देख रहे हैं धड़कन ईगल लॉयन चैनल। मेरा पुराना बिल्डिंग है, मेरे भाई को पुराने बिल्डिंग पे अटैक हुआ, उसके पीछे में नया बिल्डिंग था, उस पर बच गया मैं। बहुत बहुत ज़्यादा, कम से कम 250 लोग थे, सबके पास तलवार चाकू बंदूक भी थे, और एक टू डेट सब पुलिस था। चल महीने से टू डेट कम से कम 5 से 6 लाख रुपए उतरा उनको, पूरा पैसों का पिक्चर था। फोर्थ नंबर अटैक हुआ, बच गया बस, हमले वाले एड्रेस भी बताए तो बच गया मैं। हालांकि ये फेमस है बिल्डिंग, बहुत पुराना बिल्डिंग है, पूरा खाली था, इसके अंदर भी घुस गए थे, ये तोड़ फोड़ भी हुई वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत, कंप्लेंट भी नहीं कर पाया मैं। यही मसले में था थोड़ा, 50-60 सुअर थे इनके, चला वो मसला, चलते रहता, अभी आगे भी करेगी अपन, कंटिन्यू रहूँगा मैं। जी जी, कौन बात कर रहे बोले भाई? भाई कौन बात कर रहे बोले? कौन बात कर रहे बोले आप? मैं फारिश कादरी का ताया बोल रहा हूँ। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, तो वो जो है रात में हमला लेकर आए थे, 2-2.5 घंटे घर के सामने। जी जी, बहुत धीरा मस्ती की। जी जी, औजार भी लेकर आए थे। जी जी, गालियां बखे खूब। जी जी, अब वो तो हो गया। फिर सुबह जो है पुलिस से फोन आया था थाने से कि बारिश को आप आ जाओ। अच्छा, तो वो 10-10 बजे से वहाँ बिठा कर रखे हुए उसको। अच्छा, और MIM वाले जो लोग हैं वो बाहर थाने में खड़े हैं और वो पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं, इसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो, ये करो, वो करो। जी जी, तो पुलिस आपकी तरफ से कोई है ऐसा कि जो वही पुलिस पे दबाव डालकर उसको फारिश के ताल्लुक से कुछ मदद कर सके, फारूस की मदद कर सके? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं कराता हूँ, मैं बात कराता हूँ इंशाल्लाह। अब पुलिस वाले बोल रहे क्या ना, फेसबुक करते बोले फारिश कादरी के ऊपर, क्या बोल रहे हैं? अभी वो कुछ नहीं बोल रहे, फारिश कादरी का फोन उन्होंने हाथ में लेकर रख लिया है। अच्छा, फोन फारिश कादरी के हाथ में नहीं है, सुबह 10 बजे से पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में है। अच्छा, तो आप लोग बात करें पुलिस से? फोन चेकिंग है नहीं, आप लोग जाके किसी को बड़े आगे पुलिस से बात करें क्या है? कैसे फोन जो है ना, पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरा कंप्यूटर पे उतार लिया है जी, उसको चेकिंग के लिए वो भेजेंगे पुलिस डिपार्टमेंट में। अच्छा, चीटिंग इस बुक करते बोले उसके ऊपर? हाँ जी। तो अब फारिश के घर पे जो लोग आगे अटैक कर रहे हैं वो लोग पे कुछ केस नहीं बुक करते हुए क्या बोले लोग? हाँ, तो उसके ऊपर नहीं कर रहे ना वो लोग, वो देना वो लोग हावी हो जा रहे हैं फारिश पर, कोई फारिश की तरफ से बात करने वाला नहीं है। अच्छा, अब हम लोग सब व्यापारी लोग हैं और मजहबी दीनदारी कामों से हमारा जुड़ा हुआ है जी, और अब हम लोगों ने कभी ये चीजें देखी नहीं जिंदगी में, तो हम लोग तो उसका ताया हूँ मैं, मेरी उम्र भी 60 साल है, मैं कहाँ जाऊँगा वहाँ पर। इनके वाली साहब से बात करते हैं हम, इनके वाली साहब से बात करते हैं, इनके वाली साहब की उम्र है ना यही बाजू में बैठे हुए, उनकी भी उम्र 55 साल है। जी जी, तो वो भी बेचारे जो है ना कहाँ बात करेंगे, हम लोग तो वैसे ही पुलिस का नाम सुन के घबराते हैं, कांपते हैं हम लोग। जी सही है, आप लोग इज्जतदार लोग हैं, सही है। मैं ये अर्ज कर रहा था भाई जी, कि कोई अपना बारिश की मदद करने वाला कहीं से भी हो सकते तो कुछ करवाइए ना साहब। बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ मैं, बिल्कुल करता हूँ, अभी बात करता हूँ मैं, इंशाल्लाह बात करता हूँ मैं, ठीक है? आपके नंबर पे बात करता हूँ मैं, ठीक है? नहीं, मेरे नंबर पे बात करने से फायदा नहीं होगा, वो कुछ वहाँ डिपार्टमेंट पर, ठीक है? SP का नंबर दिया आप लोगों को, SP का नंबर सेंड करो मेरे को, नंबर पे मैं बात करता हूँ मैं, ठीक है? वो अपने को नंबर भी नहीं दे रहे हैं, हमारा एक छोटा दूसरा और भतीजा है वो वहाँ बैठा हुआ है जी, तो वो बार बार मांग रहे हैं कि PI साहब का नंबर दे दो, नंबर दे दो, तो वो इनको नंबर भी नहीं दे रहे हैं, इतना मतलब वहाँ माहौल खराब हो गया। मुश्किल है, मैं नंबर लिखा दूँ, मैं पुलिस वाला नंबर लिखा के मैं बात करता हूँ, ठीक है? नागपुर तहसील में है, नागपुर तहसील। अच्छी बात, ठीक है, गांधी बाग। अच्छी बात, ठीक है, नागपुर तहसील गांधी बाग। अच्छी बात, ठीक है, ठीक है, मैं बात करता हूँ, ठीक है, मैं नंबर लिखा लेता हूँ, मैंने साहब मदद करो साहब, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं अभी नंबर लिखा लेके मैं बात करता हूँ, ठीक है? थोड़ा मदद करवाओ साहब, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बराबर भाई, दुआ करो बस, इंशाल्लाह अल्लाह आसान। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे लेटेस्ट वीडियोस के साथ।